सानं छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वंदे विदेह धनया पद कुंडलीकेशोर सूरभ समाहित योग चित्तम हंतुं त्रिताप मनीषम मुनिहंस सेतम साल पर दुर्वातलि तनु तरुणाजने कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिं मनोरथ भुवाम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् आरुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुलसीदास जी के पद कमल में वारं बार मनाय गुण गावहुं सिया राम के की प्यारी रे धनी राधे महाधनी राधे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रे धनी सुमित्रा मैया धन सुमित्रा मैया धन कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया धन सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारो भैया को पानी राज
गढ़ी अति फलतर स्वयं जगत के मालिक बैठे भवन के अंदर कनक भवन के अंदर देखो बाप के खाली लागे महारानी लागे मन मीठो मीठो दर्जो देखो पाने लागे राम जी के प्यारे राजे रानी लागे महारानी लागे मन मीठो मीठो दर्जो देखो पाने लागे जय हो सहज सुहावन जन्म भूम श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला सहज सुहावन जन्म भूम श्री रघुवर राम लला की रघुवर राम लला की जानकी महल की सुंदर सुभा लक्ष्मण जू के किला की हाँ लक्ष्मण जू के किला की जय सिया राम दंडवत भैया दंडवत मधुरी बानी अयोध्या भूले वृंदावन में फर्क है वृंदावन में राधे राधे जय श्री कृष्ण और वृंदावन में यही बोलते अयोध्या में यही बोलते जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी भूले करे कीर्तन संत महात्मा गली गली में डोले सीताराम नाम धुन बड़ी मस्तानी लागे भगवान जय हो श्री सीताराम जी महाराज जय हो गौरी शंकर भगवान जय वृंदावन बिहारी जय हो सब संतन की जय हो भक्तन की जय हो नमः पार्वती पत हर 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 महादेव नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं
भगवान श्री सीताराम तथा रस रसिक श्रद्धामयी माताओं, श्रद्धालु भक्तगण, रामचंद्र जायसवाल, गोमती देवी जनक दुलारी जायसवाल का यह संकल्प धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। जायसवाल परिवार की धार्मिक प्रस्तुति सुनिए, कथा रघुनाथ की, पूरन चंद, मनोज बाबू, दिलीप जायसवाल और आप सबके प्रेम श्रद्धा भाव से भाई रामचंद्र अग्रवाल जी का निर्देशन, आप सबका प्रेम, सबको सादर जय सियाराम, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल सीधे हम आपको वहीं ले चलेंगे जहां से इस कथा को आप तक पहुंचाना है। सिबरी बनवासिन ना बनती तो श्री राम हुना बनते बनवासी, सो केवल भगतन हित लागी। भक्तों के वशीभूत होकर भगवान की लीला। प्रसंग क्या चल रहा था बोलो? नवधा भगती कहाँ हूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथ भगत हम गुण गन, करही कपट तजे गान। चार पे चर्चा हो गई, याद है बोलो, कल शाम तक चार भक्तियां बोलो भाई। रामचंद्र जायसवाल को तो याद हो, सबसे थोड़ी फायदा होगा, इनको जब समझ में आए। कल कितनी भक्तियों पर चर्चा? चार, प्रथम और चतुर्थ। अब पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम कर विश्वास, मंत्र जाप मन कर
मम दृढ़ विश्वासा, ये पांचवी भक्ति पर नंबर आया। मंत्र जिसके गुरु जी ने जो भी मंत्र दिया है उस पर दृढ़ विश्वास के साथ में जाप करना है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये मंत्र तो हम जानते ही थे, तुम्हारे जानने न जानने से फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने जब आपको मंत्र दिया है तो वो मंत्र आपका पुनर्जन्म है। दो प्रकार से जन्म होता है, एक बिंदु परंपरा से, एक नाद परंपरा से। बिंदु परंपरा क्या है? पिता के द्वारा माता के उदर में जब माता के उदर में पिता के द्वारा रक्त का रोपण होता है, उस रक्त के द्वारा जो बालक जन्म लेता है वो बिंदु परंपरा है। और नाद परंपरा क्या है? ठीक यही काम गुरु करता है। गुरु पिता के बराबर क्यों है? क्योंकि पिता ने उदर के द्वारा जन्म दिया और गुरु ने कर्ण के द्वारा मंत्र रूपी बीज को हृदय में रोपित किया और उसमें ज्ञान का अंकुर स्फुटित हुआ और आपका जीवन ज्ञान की तरफ, भगवान की तरफ मुड़ गया। इसलिए संसार के व्यवहार में पिता का परिचय है। आप नानपारा जाएंगे किसी ऑफिस में तो क्या पूछा जाएगा? बोलो तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम। लेकिन जब अयोध्या जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, किसी तीर्थ में जाएंगे तो पिताजी का नाम नहीं पूछा जाएगा। भाई आपका नाम क्या है, आपके गुरुजी का नाम क्या है, वहां परिचय गुरुजी से करना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी का परिचय नहीं चलेगा। क्योंकि संतों के यहां गुरु परंपरा का परिचय होगा कि आपकी गुरु परंपरा क्या है। वंदे गुरु परंपरा। तो जिसके गुरु जी ने जो भी मंत्र दिया हो, आपकी दृढ़ निष्ठा विश्वास रहे उस जप में। अब एक बड़ी पुरानी कथा वेद में आती है, कोई गांव में रहने वाला किसान, उसे किसी गुरु जी ने कह दिया कि नरसिंह भगवान की जय बोला करो, नरसिंह नरसिंह कहा करो। तो किसान आदमी खेती बाड़ी जानवर चराना नरसिंह नरसिंह कहने लगा, पता नहीं वो एक दो महीने में भूल गया। तो सिंह तो याद है और ऊपर वाला भूल गया। तो अब उसने मालूम क्या किया, वो अपनी तरफ से ऊपर का लिख लिया। उसने कहा नीचे का तो पक्का ही है, यही था, ऊपर वाले में गड़बड़ है। तो ऊपर में उसने अपनी तरफ से कह दिया भैंस के सिंह। अब देखो मंत्र में गड़बड़ हो गया लेकिन जाप में कोई गड़बड़ नहीं। टाइम से जगना, टाइम से खेत पे जाना और माला लेके भैंस के सींग भैंस के सींग भैंस के सींग, यही जाप करे। एक दिन भगवान ने लक्ष्मी माता से कहा कि तुम्हें भगत से मिलवा दे। बोले कहाँ है भगत? बोले भगत है तो उस तो तुमको मिलवा दे, देखो वो जानवर चला रहा है। मैया बोली चलो। गए सो माई पास में गई तो माई ने देखा कि वो भगत कह रहा है भैंस के सींग, तो लौट आई। माई ने कहा प्रभु ये तो तुम्हारा नाम कहीं वेद पुराण में है नहीं। अरे कोई नाम राम कृष्ण गोविंद कच्छप बाराय हो, ये भैंस के सींग कौन सा नाम है? बोले नहीं नहीं वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, नाम तो ठीक नहीं ले रहा लेकिन जाप मेरे ही कर रहा है। तो कैसे माने? बोले पूछ के देखो। तो माता जी ने एक बुढ़िया माता का भेष बनाया, पहुंच गई भेष बदल के। ए भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, काहे पूजा में विघ्न कर रही हो, है पूजा का टाइम है, अपने अपने घरे जाओ। अरे नहीं बताओ ना के अब केकर नाम ले रहे हो? वो आदमी इतने गुस्से में डंडा लेके खड़ा हुआ
बोला तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। माता जी बोली काहे प्रकट हो गए? बोले भले ही मंत्र गड़बड़ हो लेकिन बात तो उसने ठीक कही है भाई, वो गांव का पढ़ा लिखा नहीं, सीधा बोल दिया तुम्हारे खसम का नाम ले रहे। अब पढ़ा लिखा होता तो बोलता तुम्हारे पति का नाम ले रहे, अब वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। तो बात इसकी नहीं है कि मंत्र कौन सा है, बात इसकी है कि तुमने कितना विश्वास करके जपा है। विश्वास, दृढ़ विश्वास। अब एक आदमी के घर में चोर आए और अकेला था घर में और चोर दस बारह थे, गेट बंद, अब बताओ कैसे बचेगा। उसने कहना शुरू किया, शेर सिंह, कप्तान सिंह, कोतवाल सिंह, कलेक्टर सिंह, दरोगा सिंह, फतेह सिंह, सूरज सिंह, चंद्रमा सिंह, जाने कितने नाम बुलाने लगा और सबको कहे जल्दी आइए, राइफल लाइए। चोरों ने कहा कि हमें लगता है इसके घर में 50 आदमी है और सबके बड़े बड़े नाम है, दरोगा सिंह, कप्तान सिंह, और हम तुम तो 10 12 हो, अगर इतने आदमी निकलेंगे तो हमें तुमको तो मार देंगे। चोर बोले भाग जाओ, चोर भाग गए। अब विचार करिए कि झूठ के नाम लेने में असली चोर भाग गए और जो असली राम नाम लेंगे उनके जीवन में तो चोर रहेंगे ही नहीं। असली राम नाम लेना है ना, यही इस कथा की प्रेरणा। छत दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों में रति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कर्मों में जो व्यक्ति लगे होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। एक जरा ध्यान देना चाहिए, बहुत जगह दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जहां लगाओ एक जगह लगाओ। दमशील विरति बहु कर्मा, और फिर कर्म कोई भी हो, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उस कर्म को करके जहां भी कर रहे हो वहां भी पूजा हो सकती है। कैसे? यदि ग्राहक को ही तुमने भगवान मान लिया है और भगवान मान करके ग्राहक से अगर तुमने कोई छल कपट का व्यवहार नहीं किया है तो दुकान में भी पूजा हो गई। क्या समझे? आप लोग बोलते नहीं हो। जैसे ग्राहक दुकान पे आया और तुमने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और बिना छल कपट के व्यवहार किया तो वो भी आपकी पूजा है। और मंदिर में गए हो और फिर तुमने भगवान के साथ छल कपट किया हो तो पूजा नहीं है। कहीं रह करके निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति कोई आ जाए धर्म का आचरण रहे, ये जीवन है। प्रयास करना चाहिए कि जब तक कोई बहुत विषम परिस्थिति ना हो तो हम कोई गलत व्यवहार ना करें, ये पूजा है। अब आपको दोबारा समझा, अभी हमारा मन नहीं भरा, आपको समझ में नहीं आया। जैसे मंदिर में आप दर्शन करने गए कहीं भी और मान लो इतनी भीड़ हो कि 10-5 लोगों को पकड़ के पटक के गिरा के लात मार के और तभी अंदर जाएंगे, तो उस समय आपका निर्णय क्या होगा ये आप जाने। मेरा निर्णय पक्का है, अगर ऐसी स्थिति हो तो हम तो जहां खड़े वहीं से हाथ जोड़ के कह देंगे कि प्रभु अब हम तो तुम्हें देख नहीं पा रहे लेकिन तुम तो देख ही लोगे, फिर कभी मिल लेंगे जयराम जी की। इतने को लाते मार के हम तुमसे मिले ये कोई धर्म नहीं हुआ। तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनता का धर्म नहीं त्यागना, ये पूजा है। फिर
सातव सम मोहि में जग देखा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, मोते अधिक संत कर सब में भगवान का दर्शन करो। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब में तुम्हारे ही तो भगवान बैठे। इस पूजा को सुन तो लेंगे आप लेकिन मानेंगे नहीं, हमें मालूम। आप मंदिर में सिर के बल लेट कर प्रणाम करते हैं, करते हैं ना, बोलो करते हैं। अच्छा मान लो कोई हमारे जैसे गुरुजी मिल जाए तो भी प्रणाम कर लेते हैं। उनमें तो सियाराम दिखता है आपको कि इनमें तो सियाराम पक्का है। अच्छा गलती कब होती है? गलती तब होती है जब आप काम वाली को थप्पड़ मारते हैं। गलती तब होती है जब रिक्शे वाले को चौराहे पे पटक के मारते हैं। तब आप ये भूल जाते हैं कि जो सियाराम भागवत वाले गुरुजी में है वही इस गरीब के भीतर भी है। अगर इसका भी अनादर हो रहा है तो फिर ये पूजा नहीं है। इसलिए बहुत कठिन कार्य है भक्ति, सब में भगवान का दर्शन हो। और जब ऐसा जीवन आप जिएंगे तब आनंद आएगा। आप लोगों में जो लोग बैठे हैं, कभी गहराई से सोचना कि संसार के रिश्ते में भले ही ये मेरी बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, नौकर हो, मालिक हो, लेकिन भगवान के यहां तो ये कोई रिश्ता चलेगा नहीं। भगवान के यहां तो ईश्वर अंश जीव सब में ही भगवान। तो काहे के लिए हम किसी से द्वेष करें, काहे किसी से गलत बोलें, परसु वचन कबहू ना बोले। ऐसा वाक्य कभी किसी को मत बोलो जो उसके मन को पीड़ा पहुंचा रहा हो। कोई उत्तर दे ना दे इसका क्या मतलब, लेकिन उसके मन को यदि कष्ट पहुंचा है तो उत्तर देना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके भीतर से जो बद्दुआ निकलेगी वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। कभी कोई ऐसा व्यवहार ना हो। सातम सम मोहि में जग देखा, अब मोहिते अधिक संत कर लेखा। संतों को भगवान से भी बड़ा समझो। चूंकि राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संतों से ही तो उनकी महिमा है। इसलिए आठों यथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति बड़ी सरल हमको लग रही है। यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में संतोष। रोटी मिल गई ठीक है, अब ये आप करोगे तो नहीं लेकिन करने की कोशिश करो। जैसे आप किसी के घर मेहमान बन के जाओ तो वो जरूर पूछेगा क्या खाओगे, और तुम आज के बाद यही संकल्प लोगे गुरु जी को आज हम छोड़ के जा रहे राम कथा में, जो ऐसे ही पूछे क्या खाओगे तुरंत उसको बोलना तुम्हारे घरे क्या बना है। वो कहेगा दाल बनी है, हमें बहुत अच्छी लगती है, भले ही ना खाते हो लेकिन उसको कष्ट ना हो। अरे दो दिन में कोई ये थोड़े कि दो दिन में कमजोर हो जाओगे, अपने घर फिर सब्जी खा लेना, वहां दो दिन इसी में मजा लो। लेकिन वहां तुम्हारी वजह से वो फिर कढ़ाई रखे फिर परेशान हो, ये कोई धर्म नहीं है। यथा लाभ जो मिल गया ठीक है, कहां कहां सोओगे क्या करोगे जहां बता उसमें जाना। और कई लोग हमने देखा कि घर में बहु मनी बुरा नहीं मानना खान पकड़ के कह रहा हूं, घर में उनकी बहू
आठ बजे 100 गाड़ी सुनाने के बाद चाय देती है, और रिश्तेदारी में जाए तो 5 बजे हल्ला मचा देते हैं, अरे चाय नहीं बनी, क्या इंतजाम है? अरे इंतजाम अपने घर है तो देखो, घर है तो नाश्ता 3 दिन नहीं मिलता है, यहाँ नाश्ता ही पे बैठे हैं, तो ये मुसीबत है ना, यही पर हम चूक जाते हैं। अरे किसी के घर गए हो तो 2 दिन भूखे ही सही, उसमें कौन सा शरीर गिर जा रहा। अपने यहाँ ठीक है, जो मिल जाए मौज में कोई कमी नहीं रखो, चल ले दो, कर तो नहीं पाओगे ऐसा, सुन तो लो, ये भी भक्ति है। अगर मेरे शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा है तो ये भी भक्ति है। क्योंकि ये ना समझना कि जिसके घर गए हो वो देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तुम अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो वो चलते समय कहेगा भाई साहब बहुत क्षमा चाहते, हम आपकी सेवा कर नहीं पाए, आप लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, आप बड़े सज्जन हैं, कहेगा। और जब आप परेशान करेंगे तो वो सामने नहीं कहेगा, लेकिन जाने के बाद 10 लोगों से कहेगा कि अगले बार इनका कार्ड ही मत दो, इनने तो परेशान करके रख दिया। इसका मतलब है ये ऐसे आप लोग नहीं है, मतलब ये तो और कहीं की बातें कर रहे, आप लोग ऐसे थोड़े ही होंगे कि जो किसी को परेशान करते होंगे। तो इसलिए किसी को परेशानी ना हो। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोष। अब देखो मेरी तरफ तब बताए, ये बात बिना देखे समझ में नहीं आएगी। और इससे ज्यादा सरल भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। अब ये इतनी सरल भक्ति है, इसमें ना माला ना पूजा ना घंटी ना गंगाजल, सरल पूजा। सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, एक छोटा सा काम आज के बाद करो। जैसे दिन भर आप ऐसे करते हो, करके दिखा रहा हूं, पूरे दिन वो ऐसे, उनकी दुल्हन ऐसी, उनकी माई ऐसी, उनके बेटा ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। अच्छा, एक उंगली जब आप उसकी तरफ उठाते हो तो देखो 3 किधर जा रही, गौर से देखो, जब एक उंगली उधर जाएगी तो 3 तुम्हारी तरफ आएंगी, 3 इशारा करती है कि वहां नहीं, पहले यहां देखो तुम कैसे हो। तो दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दो, गलत बात है। कई लोग पूरे दिन यही कहते रहते, उनकी बिटिया ठीक नहीं, उनका लड़का ठीक नहीं, वो ऐसे, वो ऐसे, और अपना देखते नहीं तुम कैसे हो, ये बहुत गलत बात है। सपने नहीं देखे पर दूसरा, दोष दूसरे का नहीं देखना चाहिए। एक कथा सुनिए 2 मिनट। एक कोई बड़े सेठ थे, रूपड़िया के ही रहने वाले होंगे, क्यों कर लू भैया, ऐसे कोई होंगे मित्तल साहब, बड़े आदमी। तो अब उनको जाना था अपनी बच्चों से मिलने, बच्चे रहते थे कहीं कलकत्ता में, फैक्ट्री वैक्ट्री लगी थी, तो बच्चों से जब मिलने गए तो उनके पास में एक हीरे का अंगूठी था, लगभग होगा 1,00,000 रुपए का होगा, बड़ा महंगा था, और अंगूठी उंगली में पहने। और स्टेशन पे जब गए तो एक चोर ने देखा, चोर को लगा अंगूठी कीमती है, चोर ने बातचीत की, हाथ पांव दाबे, बोले सेठ जी हमें भी कुछ नौकरी मिल जाती। अरे बोले हमारे साथ चलो, हमारे बैग उठाना, सामान उठाना, कितना चाहते हो, 5,000 हमें ही दे देंगे महीना। सेठ को लगा क्या 5,000 में फर्क पड़ रहा, फैक्ट्री चल रही। सेठ जी उसको ले गए साथ में, अब उसके दिमाग में था अंगूठी, और सेठ लोग होशियार बहुत होते हैं, ये सब जान जाते हैं। सेठ को पता था कि अंगूठी के चक्कर में आया, और सेठ का भी तमाशा देखो, दिन भर अंगूठी उंगली में पहने रहे, और शाम को जब दोनों सोने जाएं तो दोनों बिस्तर लगे हो
और सेठ अंगूठी उतारे और उसी चोर के तकिया के नीचे रख दे, और जैसी सेठ सोने लगे तो वो चोर सेठ का झोला उठाए, अटैची खोले, जेब देखे, बिस्तरा पलटे, तकिया उठाए और अंगूठी ना मिले। अब वो चोर भी परेशान कि दिन में उंगली में थी, गई तो गई कहां। एक महीना उसने सेठ के बिस्तरा पलटे और सेठ की होशियारी की उसी के तकिया के नीचे रख दे। एक महीना बाद जब लौटे तो स्टेशन पे उतरे, अब उन्होंने जैसे ही उतरे तो उस चोर ने सेठ से कहा कि बाबूजी तुम हमें देना नहीं लेकिन ये बताओ रात में कहां रखते थे। सेठ बोला क्या मतलब। बोले बाबूजी आप बुरा न मानो, हम चोर हैं, हम सेवा एवा करने नहीं गए, अब तो अंगूठी के चक्कर में फंस गए, और दिन में उंगली में मिलती थी और शाम को अंगूठी नहीं दिखाई देती थी, आखिर शाम को अंगूठी कहां चली गई ये समझ में नहीं आ रहा। तो सेठ ने जो उत्तर दिया यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। सेठ ने कहा पागल आदमी, तूने एक महीने मेरे बिस्तरा पलटे, अगर एक दिन अपनी तकिया पलट देता तो अंगूठी मिल जाती, तो हम जिंदगी भर दूसरों के बिस्तरा पलट रहे हैं लेकिन अपने जीवन का बिस्तर नहीं पलट रहे। अगर अपने जीवन को थोड़ा भी पलट के देखो तो जरूर तुम्हें भगवान जैसा हीरा मिल जाएगा, लेकिन आप कहां देखना चाहते हैं। इसलिए कबीर ने कहा मैंने हीरा हीराए दयो चपरे में, एक कबीर का भजन है, हाय दयो चपरे ना मिले जपो में ना मिले तपो में ना मिले माला के पकड़े में, मैंने हीरा हीराए दो चपरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हीरा तो ढूंढो प्यारे अपने में, मैंने हीरा हीराए दो चपरे में। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे पर दोषा, दोष दूसरे का नहीं देखना चाहिए, गुण भगवान का और दोष अपना। अब भक्ति नंबर 9, नवम सरल सब सन छल हीरा, नवम सरल सब सन छल हीरा, नवम सरल सब सन छल हीरा, मम भरोस हीय हर सन छल हीना। आप सरल हो जाए, जीवन में सरल होना
ये सबसे कठिन बात है, आप सरल हो जाएं और इतने सरल हो जाएं, उस सरलता का मानक क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना। ये अभी कुछ दिनों पहले घटना घटित हुई, ये हम वेद पुराण की बात नहीं कर रहे, अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार में एक बालक 18-20 बरस का होगा, शरीर से मोटा ताजा था, अच्छा काम कुछ नहीं करता था, और दिन भरे में 2.5 से 3 किलो खा लेता था, केवल खाना। अच्छा मुसीबत ये कि जहां खाना खा ले और वहीं लुढ़क जाए, वहीं लेट जाए, और जब खाना खाता था तो कुछ भी नहीं करता था, और ये भी कहता था दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, तो खिलाने वाले जो घर वाले थे वो बड़े परेशान, उन्हें लगे कि देखो इतना खाता है काम कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं कर रहा। काम कुछ नहीं करता। अच्छा अब एक दिन घर वालों ने उसको मार पीट दिया, और घर वालों ने कहा जाओ यहां से, चलो काम कुछ नहीं करता, फ्री में कौन खबाएगा, जाओ। अब कहां जाएगा? एक मंदिर था, मंदिर के पुजारी जी से महंत जी से मिले। महंत जी बोले क्या बात है? बोले महाराज हम भी आश्रम में रहेंगे। बोले ठीक है बने रहो, आश्रम में तो सब रहते, तुम भी रहो। कुछ करना जानते हो? बोले हाँ खाना जानते हैं। अरे बोले खाना थोड़ी कोई काम होता, कुछ करना जानते हो? उसने कहा कि गुरुजी हम खाने के अलावा कुछ नहीं जानते, हमने जीवन में केवल खाना ही सीखा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहां मोटे लोग बैठे हैं वो खाते ही होंगे, हम तो एक अंदाज बता रहे हैं। अब वो बोले खाने के अलावा हम कुछ नहीं जानते, खाना और सो जाना। तो महाराज खाने के अलावा कुछ हम जानते ही नहीं है। फिर बोले तो भाई आश्रम में रहोगे तो कुछ तो तुमको करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम होगा? बोले आप जैसे बता दो तो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर देंगे। तो वो सवेरे जगह मंदिर में झाड़ू लगा दे और भोजन कर ले, सो जाए। अच्छा नित्य नियम यही चल रहा था। एक दिन पड़ गई एकादशी। अब एकादशी को वैष्णव के यहां भोजन नहीं बनता है, व्रत रहा जाता है। अब उस दिन भोजन बना नहीं, चाय नहीं बने, चना नहीं, कोई नाश्ता नहीं। अब वो बड़ा परेशान, गुरुजी आज भोजन नहीं बना। गुरुजी बोले पागल हो, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता। तो उसने कहा गुरुजी हमारे लिए भी एकादशी है। अरे बोले आश्रम का नियम है आज किसी को भोजन नहीं मिलेगा। उसने कहा गुरुजी देखो समझ लो, अगर हमें भोजन नहीं मिला तो द्वादशी को भंडारा हमारा ही होगा, क्योंकि हम 24 घंटे में बोल जाएंगे सीताराम, हम तो बिना खाए रह नहीं सकते। अब गुरुजी परेशान कि अच्छा पागल आदमी इसको रखा हमने, बताओ आश्रम का नियम है, आश्रम में भोजन थोड़ी बनेगा। उसने कहा गुरुजी देखो हमारे लिए तो बनना चाहिए। अरे तुम कोई अलग से थोड़े आए हो, देखो तुम एक बात समझ लो भोजन नहीं बनेगा साहब। हाँ इतना हम कर सकते हैं कि तुम अगर बना लो तो हम तुम्हें सामान दिलवा दें, और वो भी आश्रम में नहीं बनेगा, और कहीं बना लो और राम जी का भोग लगा देना, और ठाकुर जी को बुलाएं के भोग लगा के तब भोजन करना। गुरु जी बनाया हमने जिंदगी में नहीं, लेकिन अब क्या करें, मरता क्या न करता, चलो सामान दिलवाओ।
ढाई किलो आटा, घी, तेल, शक्कर, बैगन, टमाटर, आलू, सब चकाचक सामान पोटली में बांधा और लेकर के गया। अब नदी के किनारे भोजन बनाया। अब बनाते 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 एक डेढ़ बज गया। अब भूख लगी। अब याद आया कि गुरुजी ने कहा था ऐसे नहीं खाना, पहले राम जी को खिलाना तब खाना। अच्छा, वो आदमी मंदिर कभी गया नहीं था तो ये मालूम नहीं था कि ऐसे जल घुमाओ और ऐसे भोग लगाओ। उसके दिमाग में ये था कि राम जी आते होंगे, मुझे क्या पता, पढ़ा लिखा था नहीं। अब उसको लगा कि राम जी को बुलाना पड़ेगा। अब बुलाना शुरू किया। आप भी थोड़ा भाव से बुलाइए हमारे साथ, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन भोगे लगाइए। वो कह रहा है और आने का सवाल क्या, वो तो आएंगे नहीं। अच्छा, उसके दिमाग में यही था कि गुरु जी ने कहा कि राम जी को खिला देना। तो अब उसने राम जी से कहा कि देखो एक बात सुन लो, हमें कोई तुमसे लेना देना तो है नहीं, वो तो गुरु जी ने कहा तो हम बुला रहे हैं, और अगर तुम्हें भूख लगी हो तो यहां जल्दी से आओ और मंदिर में भूल के न जाना, वहां कुछ नहीं बना है, आज हम वहीं से आए, तुम्हें भूख हो तो इधर आ जाओ जल्दी। अब पता नहीं भगवान की भी क्या विचित्र लीला, सीताराम जी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो न उसने पांव छुए, न पास में गया, न नमस्कार। राम जी बोले हम आ गए, बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि मतलब राम जी को बुलाना, आप दोनों लोग आए तो मान लो पहले बताना चाहिए, अब राशन उतना ही है, मान लो अब आप समझते नहीं है मामला है, मुश्किल में तो गुरु जी ने सामान दिया तो अब हिसाब से खाए लो थोड़ा बहुत, जैसे मतलब हमारा ध्यान रखो, चूंकि उसे अपने पेट की परवाह है, उसको कोई लेना देना नहीं भगवान से। अब भगवान जी भी हंसने लगे, वो तो थोड़ा सा प्रसाद लिया चले गए, उसने प्रसादी पाई और लौट के आया। गुरुजी बोले क्यों भाई, कैसा रहा एकादशी? बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन अगली एकादशी को राशन बढ़वाइए। क्यों? ढाई किलो आटा ले गया था। बोले नहीं, ढाई किलो बात अलग है, वो दो लोग आए थे तो हमारा जरा गणित ठीक नहीं रहा। तो गुरुजी को लगा कि भूखा रहा होगा इसलिए बोलता, चलो चलो अगली एकादशी आने दो। पांच किलो आटा, पांच किलो आटा, घी, तेल, शक्कर सब ले गया, फिर बना के रखा। समस्या फिर वही। अब फिर बुलाना शुरू किया, फिर बुलाइए आप लोग, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोगे लगाइए। सीता राम आइए, कम नहीं हो भगवान भी कम नहीं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, बगल में लक्ष्मण जी, बगल में सीता जी प्रकट हो गए। अब उसने ऊपर नीचे देखा, उसने कहा कि ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं,
उसने कहा तो हमने क्या तुम्हारे परिवार भर की जिम्मेदारी ले रखी? आप समझते नहीं हमारी समस्या, मुश्किल में तो गुरु जी सामान देते हैं, आप समझते नहीं, मतलब एक बुलाव दो आते हैं, दो बुलाव तीन हो गए। देखो एक बात समझ लो, अगली एकादशी को बता के जाओ, आप जितने लोग हो उसी हिसाब से हम गुरु जी से बात करें। हाँ मुश्किल में तो हम अपने हिसाब से लाते हैं सामान, तो अब भगवान जी फिर चले गए। अब वो लौट के आया तो बोले गुरु जी हाँ अगली एकादशी को सामान बढ़ाइए। गुरु जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, 5 किलो आटा थोड़ा होता है? नहीं गुरु जी 5 किलो तो ठीक है हमारे लिए तो ठीक है, अब वो 3 लोग आ गए अब की बात। गुरु जी ने कहा हो सकता है मान लो भूखा रहता हो, चलो अच्छा आपकी बात देखेंगे। चलो अब अगली एकादशी को 11 किलो आटा ले गया, घी तेल शक्कर सब सामान। लेकिन अब वो आदमी पता नहीं क्या उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा कि एक काम करो, दो बार तो हम मान लो परेशान हो ही गए, अब की बार में बनाओ मत, फिर सामान रखा रहने दो, भोग पहले लगाओ, फिर जिस हिसाब से लोग आवे उसी हिसाब से बनाया जाए, पहले काहे को बनाओ। तो उसने पहले बनाया ही नहीं, सामान सब रखा और पहले ही महाराज बुलाना शुरू कर दिया, सीता राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सुनने में सुनाने में हंसी भी आती है अंदर से दुख भी होता है, क्या भगवान की लीला है। महाराज वो बुलाने लगा, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी हनुमान जी विभीषण जी भरत जी शत्रुघ्न जी दिव्य राम दरबार सब प्रकट। अब उसने देखा, अच्छा भगत जी हाँ हम आ गए हाँ बोलो कहाँ भोग लगाना है? बोले ये सामान रखा है बनाओ और खाओ। वो भी आदमी कम नहीं था। भगवान बोले ये तो गलत बात है, देखो भाई हमें तो बना बनाया भोग मिलता है। उसने कहा कि देखो हमारी भी बात साफ है, आप जितने लोग आए हो तो हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो अब हम फ्री में बनाए क्यों, अब तुम्हें ही बनाओ, जब हमें मिलना है नहीं इतने लोगों में, हमें हमारा क्या मालूम, इतना हमारा सामान आया और आप यूनिट बढ़ाते चले जा रहे, अब हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अब तो तुम ही बनाओ और तुम ही खाओ। अब भगवान ने जानकी माता की तरफ देखा, बोलो क्या करें? माता जी बोली अब इसका मन है तो बन जाएगा, अरे 11 किलो आटा इतना कैसे कौन बनाएगा? बोले बन जाएगा, कोई है कारीगर? बोले अपने साथ में ही है ना, कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, भरत अति होई, भरत अति हो बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे चुनके लकड़ी पवन सुत लाने लगे, चुनके लकड़ी पवन सुत लाने लगे श्री भरत जी भंडारे, बनाने लगे
हनुमान जी लकड़ी ला रहे, लक्ष्मण जी पानी ला रहे, विभीषण जी महाराज माता जी चौके में बैठी हैं, सबको काम पे लगा दिया। क्या अजीब आदमी है, सब काम पे लगे। अब वो आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठा और इशारा करे लगे रहो। हे भरत भैया, हे हनुमान जी, कल हमारे रामचंद्र की रसोई में भी जरूर आना, तभी तो चलेगी साहब। कल की है ना, कल का रसोई चल तो रोज ही रहा, शाम को ही चल रहा, रात भर चल रहा, लेकिन कल वाला महाप्रसाद है तो उसमें भरत जी बनाएंगे तो कितना अच्छा होगा। हनुमान जी आएंगे, अब भंडारा वो तो बन रहा है, वो आदमी आराम से बैठा है। पुजारी जी ने गुरु जी से कहा मंदिर, गुरु जी ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, इसको अकल बिल्कुल नहीं है। और 11 किलो आटा ले गया गुरु जी, 11 किलो ये खा नहीं सकता है, चाहे जैसे खा ले। ऐसा तो नहीं कि कोई नाटक हो, हम आप समझ ना पा रहे हो। 3 बार कह के गया है कि वो राम जी आए थे। गुरुजी बोले हो सकता कुछ गड़बड़ हो, बोले तो चलो मंदिर बंद करो। पुजारी ने मंदिर बंद किया, पर्दा डाला, गुरुजी संग में पहुंच गए। नदी के किनारे लकड़ी का गट्ठर रखा है, आटा दाल चावल सामान रखा है और वो भक्त हाथ जोड़े बैठा है। गुरुजी आ गए। ए भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आटा मर रहा है, ये देखो चूल्हा, ये हनुमान जी, देखो भरत जी, ये जानकी माता, ये राम जी, सब तो काम पे लगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा ना, अरे हमें तो ये सब दिख रहे हैं। अब उसने राम जी से कहा, गुरु जी एक बात कहूं प्रभु। हाँ, हमारे गुरु जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, प्रतिदिन प्रातः 4 बजे नहाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और आप हमारे गुरु जी को नहीं मिले, और मैं आज तक मंदिर के भीतर नहीं गया और आप हमें दिख रहे हैं, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा आप इन्हें नहीं दिख रहे, हमें क्यों दिख रहे। भगवान ने कहा कि अपने गुरु जी से पूछो, हमने ये कब कहा कि 4 बजे ही नहाना है, कब कहा कि महाराज घंटी बजाना है, हमने तो जो कहा वो तुम्हारे गुरुजी ने सुना ही नहीं। क्या कहा, निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, वो ही कपट छल चित्र ना। मन निर्मल है, हमें तो वही पास है। और तुम्हारे पास कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल है। जो भगवान से ऐसे बोल सकता है उसको कहां कोई छल कपट होगा। तो देखो हम तुम्हें तो दिखेंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखेंगे। क्या करुणा है, उसके आंखों में आंसू आ गए। अब फिर मालूम क्या कहा, अब देखो फिर भी उसकी बुद्धि कितनी गड़बड़ है। भगवान जी से कह रहा था एक बार हमारे कहने से गुरु जी को मिल जाओ। क्यों, तुम्हारे कहने से क्यों मिल जाए, आप हमें तो चाहते हो ना, तुमको तो चाहते हैं, तो अगर आप गुरु जी को नहीं मिलोगे ना तो गुरु जी हमारा सामान बंद कर देंगे। और आपको पता है कि हम बिना भोजन के रह नहीं सकते, एक बार गुरु जी को मिल जाओ। अब ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, भगवान ने पर्दा हटाया, आज जैसी देखा दिव्य राम दरबार गुरु जी के सामने खड़ा है। गुरु जी ने पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु बस मैं समझ गया, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भेज जाते हैं,
सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और मैं आज कथा के आठवें दिन यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रभु, ये मेरे जितने भक्त बैठे हैं इनमें किसी भक्त को आप मिल जाओ और इसी भक्त के कहने से कहीं हमें भी मिल जाओ तो दोनों का काम बन जाएगा। किसी को मिल जाओ, यही बात ठीक हो। तो नवम सरल, नवी भक्ति का मतलब सरल, सब सन छल हीना, और मम भरोस, ये सबसे बड़ी बात, अंतिम बात, भक्तियों में सबसे बड़ी बात मम भरोस, भरोसा पक्का हो। आज एक हमारे भक्त आए थे, इसी शहर के ही हैं, नाम तो नहीं लूंगा, यहां बैठे भी हैं। वो कह रहे थे, महाराज आपकी बात को माना, दो दिन में ठीक लग रहा, मन अच्छा हुआ। तो बात इसकी नहीं है कि कोई संत महात्मा कोई जादू मंत्र करेगा, बात विश्वास की है। और यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो संत गुरुजनों के पास ये पावर है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की ली। अगर संतों ने कुछ कहा है तो भगवान जरूर पूरा करेंगे, विश्वास करिए उनकी बात पर। मम भरोस, कबीर के बारे में कई लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कबीर जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। मगहर में कबीर का जहां पर झोपड़ा है उसके सामने वैश्यालय है। कबीर का मानना यह था कि यदि आप स्वयं में सुंदर हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं तो दुर्गुण आपका क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन सामने वैश्यालय है, वैश्यालय में दुष्कर्म होता है और कबीर सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। अच्छा, अब वैश्यालय में वो जो वैश्या रहती हैं उन्होंने अपने यारों से कहा कि जब से ये महात्मा आया है तो इधर कोई भले आदमी आते ही नहीं है, तो क्या करें, बोले इस महात्मा को यहां से हटाओ। अब उनके यार तो होते ही बेकार, उन्होंने लगा दी कबीर के झोपड़े में आग। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक, कबीर का झोपड़ा फूकने लगा। कबीर बाहर निकल आए, हाथ में करथने ले ली, संकीर्तन करने लगे, जय हो जय हो। वैश्या ने कहा कितना पागल महात्मा, इसका झोपड़ा फूक रहा है, ये नाच रहा, कितना पागल है। वैश्या हंस रही है, कबीर का झोपड़ा फूक रहा है, जय हो। एक आग का झोंका उड़ा और वैश्या के झोपड़े पे गिरा। अब वैश्या का झोपड़ा फूकने लगा, वैश्या बोली सत्यानाश हो जाए इस बाबा का। अरे बोले गलत काहे को बोल रही हो, अरे तुम्हारी वजह से हमारा ये झोपड़ा फूक गया, सत्यानाश होगा तेरा। कबीर ने कहा बाहर आ जाओ, संकीर्तन करो, बाहर आओ कीर्तन करो। अरे महाराज झोपड़ा फूक रहा तुम्हारी वजह से और तुम्हें कीर्तन की पड़ी है। कबीर ने कहा गलत क्यों बोलती हो, इसमें तुम्हारी वजह का मतलब क्या है। अरे तुम्हारे यार ने हमारी फूंक दी, हमारे यार ने तुम्हारी फूंक दी, ये तो यारों का खेल है, इसमें कोई हमारा तुम्हारा चक्कर थोड़ा ही है। अगर तुम्हारा यार पक्का है तो हमारा भी यार सच्चा है, हमने कोई ऐसे से यारी थोड़ी की है ना जिसमें पूरा जीवन उनके चरणों में लगा दिया। तो आप विश्वास करिए, अगर तुम्हारा कोई रोया भी टेढ़ा करेगा तो भगवान उसकी गर्दन टेढ़ी कर देगा साहब, तो भरोसा उस पर रख करके चलिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। आगे चले बहुर रघुराई, आगे चले बहुर रघुराई, ऋषभ पर्वत सही
देख सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा पठवा बाली ओही मन मेला भागवत रत तजो यह सेना। हनुमान जी महाराज से कहा, हमें लगता है कि बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा है। हनुमान जी महाराज से कहा, आप जाकर के देखो ये कौन है। तब विप्र रूप धरी कपि तहां गया वो, मात्र नाई पूछत अस भय को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन पितरहु कठोर है और आपके चरण कोमल हैं, और ये आपके कोमल चरण बिना पादत्राण के निरावरण चरण जंगल में विहार कर रहे हैं। आप कौन है? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरे हूं स्वामी, कारण क्या है? अच्छा, इस बात को लक्ष्मण जी को थोड़ा हंसी आ गई। राम जी ने कहा, हंसने की बात क्या है? अरे उन्होंने पूछा है, हंसने की बात क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि हमें ये बात सहन नहीं होती है। क्यों? अयोध्या से जब से चले तब से लेकर आज तक रास्ते में जो भी मिलता है वो यही पूछता है, भूमि कठोर है चरण कोमल है, भूमि कठोर है चरण कोमल है, भूमि कठोर चरण कोमल। अरे हमें बर्दाश्त नहीं होता, कितना सहन किया जाए, जो देखो यही कह रहा। राम जी बोले, लक्ष्मण कहने वाली बात तो हर आदमी कहेगा। लक्ष्मण जी बोले, कहने की बात कहेगा, इंतजाम कुछ नहीं। अरे भूमि कठोर है तो है, चरण कोमल है तो है, कोई इंतजाम तो कर नहीं रहा। जिसको देखो यही कह रहा, भूमि कठोर है चरण कोमल है। और हमें सबसे ज्यादा खराब तो यही बात लग रही, जो भी है वो इसी मुद्दे पे बात कर रहा है। अभी आपके परम प्रिय भक्त भरत भैया आए थे और वो भी इसी मुद्दे पे रो रहे थे, राम लखन सिय बिनु पद पनही करी मुनि भेष फिरे बन बनही, एही दुख दाह दहे नित छाती भूख न बासर नींद न राती। वो इसी बात को लेकर के रो रहे थे। तो लक्ष्मण इसमें कौन सी गलत बात है? लक्ष्मण जी बोले, गलत बात ये है कि उसी बात को लेकर के रो रहे थे कि भूमि कठोर है चरण कोमल है और इंतजाम करना दूर की बात, जो रखी थी सो भी उठा ले गए। अब बताओ ये मुसीबत है कि नहीं? और आप कह रहे कहो नहीं, हमें तो कहना ही पड़ता है, इंतजाम कुछ नहीं साहब, जो थी वो भी ले गए। बताओ अब बताओ हमें हम क्या करें बताओ। अब ये हनुमान जी मिले ये भी कह रहे भूमि कठोर है चरण कोमल है, भूमि कठोर है चरण कोमल है। हनुमान जी कह रहे हैं, राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, आज तक मार्ग में जो भी मिले उन्होंने कहा है, लेकिन तुम्हारे सामने जो खड़े हैं
ये श्री हनुमान जी महाराज है, ये कहने वालों में नहीं है। अच्छा हाँ, ये वचन में विश्वास नहीं करते, कर्म में विश्वास करते। और सुन लो लक्ष्मण, आज से संदेह निकाल दो। अगर हनुमान के मुंह से निकला है चरण कोमल है भूमि कठोर है, तो आज के बाद ये कोमल चरण कठोर भूमि में कभी नहीं चलेंगे। तो आज से मामला पलट जाएगा, पलट गया। लिए दो हूँ जन पीठ चढ़ा, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, अस कई सकल कथा समझाई, अस कई सकल कथा समझाई। पीठ चढ़ाई, दोनों लोगों को पीठ पे चढ़ा दिया। और नाथ सैल पही कपिपत रहाई, कपिपत बंदरों का राजा सैल पर रहता है, सैल माने पर्वत। राम जी कहां खड़े हैं? नीचे, किष्किंधा पर्वत ऊपर है, जहां भेंट हुई वो जगह नीचे, फिर वो पर्वत ऊपर है। तो राम जी बोले तो सुग्रीव से कह दो कि यहां नीचे आकर मिल ले। नहीं महाराज, वो नीचे नहीं उतर सकता है, फिर आप ही ऊपर चलो। देखो ये भी आजकल मुसीबत, मानी भगवान नीचे उतरे लेकिन भक्त वो नहीं उतरना चाहता। अच्छा, तो आपको ये बात बुरी तो नहीं लगेगी? आप लोग भी सैल पे ही रहते हैं, जहां सुग्रीव रहता है वहीं आप रहते हैं। सुग्रीव सैल पर रहता है और आप कौन से सैल पर रहते हैं? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला। जैसे सुग्रीव सैल से नीचे नहीं उतर सकता, इसी तरह आप भी इस ग्रह कारज नाना जंजाला से नीचे नहीं उतर सकते हैं। आप भी तो यहीं फंसे हैं, तो कैसे मिलेंगे भगवान? ध्यान रख लो, एक ही तरीका है, एक ही आपके पास विकल्प बचा है कि अगर हनुमान जी जैसे कोई सदगुरु मिल जाए और वो भगवान के हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले आए तो ही तुम्हें दर्शन होगा, बाकी तुम तो जाने वाले हो ही नहीं, तुम तो इसी में फंसे हो, तुम कहां जा रहे उनसे मिलने? तो उपकार किसने किया? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाई राज पद दीन्हा, राम मिलाही राज पद दीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। अब आप इसको याद कर लो, लिख लो, कितना भी बड़ा संकट आपके ऊपर हो जिसका हल दुनिया में कोई ना निकाल सके, कोई भी प्रयोग करके देख लेना, हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ना है, 42 दिन बंद नहीं करना है, किसी दिन 100 पाठ नित्य करना है। विधि और पूजन ए अपने आप नहीं, किसी महापुरुष से जान करके। और अगर आप लगातार 42 दिन जारी रखेंगे तो कोई ऐसा संकट नहीं जो कटे ना। कहां लिखा है? आप हमसे मत कहना कि आपने बताया, हम
तो वो बता रहे जो आपकी आंखें देखेंगी और आपकी वाणी पढ़ेगी। जो सत बार पाठ कर होई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो सत बार पाठ कर होई, सत बार पाठ कर कोई। अब कौन कौन करेगा इसमें कोई प्रयोग है? अब ये भी झंझट खत्म हो गया। माताएं कहती हम करें कि ना करें, भाई लोग कहते हम करें ना करें, किसी के लिए मना ही नहीं किया उन्होंने। जो सत बार पाठ कर कोई, एक्स वाई जेड कोई करे, खाली मन पवित्र हो, हृदय पवित्र हो। अगर आपको स्वयं लग रहा है कि हमारा तन मन पवित्र है तो करिए, और अगर मन में डाउट है कि हम पवित्र नहीं है उनकी पूजा करने योग्य अभी, तो उतने दिन मत करिए। भाई रिश्ता आपको बदलना पड़ेगा ना। हनुमान जी को माताओं से विरोध नहीं है, जानकी माता से विरोध है क्या? जानकी माता के तो बगल में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, तो आप भी उनसे रिश्ता बनाइए ना। भगवान से रिश्ता बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रिश्ता हो। और एक और आपको बात बता के ही जाऊंगा, ऐसा कोई व्यक्ति इस पंडाल में नहीं है जिसके पास में सारे रिश्ते हों। दिमाग लगाइए, एक ना एक रिश्ता भगवान कम करता है। किसी के माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं, किसी के भाई है तो बहन नहीं, बहन है तो भाई नहीं, बेटा है तो पति नहीं, पति है तो बेटा नहीं। जो एक रिश्ता आपके जीवन में खाली हो, भगवान कहते हैं वो हमने इसीलिए खाली किया है, वही रिश्ता हमसे बना लीजिए तो हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जितना उसके याद में खोए हो उतना हमसे जुड़ जाइए ना, उसी रिश्ते को पूरा करना है। मीरा ने पति मान लिया है ना, किसने जो मान लिया, सुदामा ने मित्र मान लिया, अर्जुन ने दोस्त मान लिया, आप भी जो मान लो, लेकिन मान लो तभी तो बात है ना। हनुमान जी महाराज 100 पाठ आपने सुन लिया, अब कह रहा हूं दूसरी बात, 11 पाठ तो जरूर करो, दीपक जला के करो और जरूर करिए रोज पूजा में, और अगर 11 का समय ना हो तो 1 पाठ करो। कोई माता बहन भाई ऐसा बैठा हो जो पढ़ा ही नहीं है तो क्या करे? तो 1 चौपाई को 100 बार बोलिए तो भी काम पक्का हो जाएगा। अभी बोल दो 1 बार, फिर याद कर लेना ये चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, शंका निकाल दे रहा हूं जो ये दिमाग लगाए हैं कि साधना कहां करें, साधना करने हरिद्वार जाएं कि उत्तराखंड में जाएं कि अयोध्या में जाएं, कैसे हमें साधना होगी, कैसे सिद्ध हो जाएगा। आप सिद्ध हो जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कैसे सिद्ध होंगे?
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हम गवाए हैं हो ही सिद्ध साखी गौरी सा। इसलिए आप पढ़ो तो मन तो लगे, यही तो सब कुछ करेंगे, ये क्या नहीं कर सकते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संग्रह हरने वाले को हनुमान कहते हैं। कहते हैं दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दर्शन करते हैं, कभी आपको समय मिले तो हमारे यहां सुकर ताल आइए। सुकर ताल में अपना बड़ा दिव्य आश्रम है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, हनुमान जी महाराज विराजे हैं। पैर से लेकर सिर तक की ऊंचाई 70 फुट, 750 करोड़ राम राम लिखा है। ये सबसे अद्भुत बात, 750 करोड़ राम राम लिखा है, अद्भुत दृश्य है। वहीं पर पहली बार भागवत हुआ, वहीं पर भागवत तीर्थ है। बरगद का पेड़ अभी ज्यों का त्यों खड़ा है, हजारों भागवत होता है वहां। स्वामी कल्याण देव जी महाराज वो तो चले गए, मैंने तो उनका दर्शन किया 2004 में, शरीर पूरा हुआ तो 129 साल के थे, जिन्होंने सुख तीर्थ की स्थापना किया, जिन्होंने उस बट वृक्ष के नीचे जो कल्याण देव जी का आश्रम है, 129 बड़ा दिव्य कर्मयोगी संत थे। वहीं पर अपना हनुमत धाम, पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज, बड़ा दिव्य आनंद वहां का है। वहां विष्णु आश्रम जी महाराज जैसे दिव्य संत रहे, जो भारत के ऐसे महापुरुषों में उनकी गिनती थी। तो मेरे गुरुदेव ने वहां बहुत दिनों तक जाना रहा, और अब तो गुरुजी ही नहीं रहे। नक्षत्र वाटिका राष्ट्रपति भवन के बाद अगर कहीं है तो वो अपने यहां है, हनुमत धाम में है। मानी 27 नक्षत्रों के 27 पेड़, कौन से नक्षत्र में, कौन से टाइम में, कौन से मुहूर्त में, किस मंत्र का जाप कौन से पेड़ के नीचे करना। मणि कपूर से लेकर के कोई दुनिया का पेड़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगा वहां देखने को, सब है। नक्षत्र वाटिका गंगा जी के किनारे, अभी दर्शन करिए आप, दिव्य भव्य जगह है। तो ये हनुमान जी की महिमा इतनी बड़ी है, लेकिन आप लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे तो उनको सुनाई पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी थोड़ा आपने कम
झूला। हनुमान जी कितने बड़े बताए हमने, 77 फुट के है ना, तो जो आदमी लंबा होगा तो ऊंचा सुनेगा ना थोड़ा। आप थोड़ा और ताकत से बोलिए ना, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आपने ठीक से बोला है, बड़ा अच्छा लगा। एक दो लोग तो हिल गए, उन्हें लगा प्रसाद तो नहीं बटने लगा, वो तो आराम से बैठ जाते हैं साहब आके। अरे थोड़ा उपस्थिति दर्ज कराओ कि आप आए हो, तो मस्ती में कथा भी सुननी है। तो हनुमान जी महाराज ने उपकार किया, किसके ऊपर? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, कर्म बिगाड़े राज पद दीन्हा, राम जी का वचन मान करके जंगल में आए थे, यहां हरि निश्चर वैदेही, हम उसको खोज रहे हैं। अच्छा, अगर हमारी मदद हो जाए तो ठीक है। सुग्रीव ने कहा कि एक दिन मैं मंत्रणा कर रहा था, कोई मीटिंग हमारी चल रही थी यहां, और देखा तो हमने भी था, गगन पंत देखी मग जाता, एक असहाय अबला चिल्ला रही है, और जब मैंने देखा तो हम लोग यहीं बैठे थे, राम राम हा राम पुकारी, ऐसे चिल्ला के जा रही थी, हम ही दीख दीने पटेरारी, हमें देख करके उसने कुछ फेंक दिया, तो वो मैंने उठा के रखा है, अगर आपकी पत्नी का है तो दिखवा रहा हूं, ए भाई ले आओ जरा। और जैसी मांगा राम तुरंत तेही दीन्हा, तो उसमें है क्या, माता जानकी के कान में पहनने वाला कुंडल है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गौर से देखो क्या ये जानकी का कुंडल है। तो जो लक्ष्मण 12 वर्ष सेवा कर चुके थे, 12 साल तो चित्रकूट में ही हो गया, उनका वक्तव्य कितना सुंदर है। वो कह रहे हैं, बड़े भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के काने नहीं, मैं सेवक हूं इन पैरों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, मैं सेवक हूं इन चरणों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, मैं सेवक हूं इन पैरों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। चरण देखे हैं, हमने तो उनके मुंह की तरफ देखा ही नहीं है, क्या सुंदर आदर्श होगा। वनवास में रहे फिर भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि माता के चरण देखे जाते हैं, माता का मुंह नहीं देखा जाता है। अब एक बात हम नहीं कहेंगे, अब क्या कहें, कितना कहें, आपको बुरा तो लग ही जाता है। अब सच क्या है, अब सच ये है जो बड़ा कड़ुआ है, सच ये है कि उस जमाने में ऐसा नियम था कि जिसने मांग में सिंदूर भरा है उसके सिवा और किसी को सिंदूर दिखाया ही नहीं जाता, माताएं सिंदूर को ढक के रखती थी। ये परंपराएं अभी 20-25 बरस पहले तक देखने को मिली,
जो हमारी दादी थी, नानी थी, जो पूर्वज थे, वो कहीं भी जाएं लेकिन सिर से पल्लू गिरता नहीं था। आदत थी उनकी, चाहे जितना आप उन्हें समझाओ सिर ढका ही रहता था, ये नियम था। अब तो ये बात कहना ही बेईमानी हो जाएगी। घूंघट कहना, घूंघट अलग शब्द है, घूंघट की जरूरत नहीं है। पर्दा कभी भी मुंह झांकने का नाम पर्दा नहीं है, पर्दा तो मर्यादा का पर्दा है। अब कोई मुंह झांक ले और गाली दे तो क्या पर्दा है, आंख का पर्दा है ना। पहले माताएं ऐसा करती थी, कहीं भी रहे लेकिन सिर उनका ढका रहता था, ये नियम था उनका, तो नुकसान नहीं होता था कुछ। जैसे कहीं सफर में जाती हूं, अभी भी पुरानी माताओं को देखना, सफर में जाएंगी तो ऐसे ढाक के रखेंगी कि ना उनका कोई कुंडल झड़क सकता है ना कुछ सब। लेकिन अब आप जब ध्यान ही नहीं रखेंगी तो कोई नुकसान भी होगा, माताओं का थोड़ा रहता है। इस युग में ऐसा कहना संभव नहीं है और करना भी संभव नहीं है, समाज है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम तो केवल इतना ही कहेंगे, कहीं भी रहें, किसी परिस्थिति में रहें, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारी जो परंपराएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निर्वाहन करें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो, ना हम जानामि के यूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपरे तुम भिजानामि नित्यम पादाब्ज वंदनात्। तुमने पैरों की सेवा की है, ठीक कह रहे हो ए सुग्रीव, ये तो तुमने ठीक बताया है, ये जानकी का ही कुंडल है। हाँ, अब क्या करना चाहिए सुग्रीव, तुम्हारी पीड़ा क्या है? बोले महाराज, जैसे आप वैसे हम। कैसे? बोले आपकी पत्नी को रावण हर ले गया, हमारी पत्नी को बाली ने। नाथ बाली अरुमय दो भाई, प्रीत रही कछुबरन न जाई, मैं सुत माया बीते नामू। और वो हमारे द्वार पे आके चिल्लाया, बाली कहां सहने वाला, बाली उसको मारने गया, हम पीछे से चले गए और दोनों में लड़ाई होने लगी, एक खून की धारा निकली, हमें लगा बाली मारा गया, हम वहीं से लौट आए। अब मंत्री माने नहीं, मंत्री बोले कि अब बाली तो मर गया है, तुम ही को बिठाना है। सो मंत्री ने पुर देखा बिनुसाई, तीन हिस मोहि राज बरियाई, और जबरदस्ती मंत्रियों ने हमें कुर्सी पे बिठा दिया। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि बड़े भैया, हाँ इसकी बातों में मत आना, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। अरे लक्ष्मण, तुम सब पे शंका करते हो। बोले बिल्कुल पक्की बात है, ये जो कह रहा है ये बात हमारे हजम नहीं हो रही, ये कह रहा कि जबरदस्ती मंत्रियों ने पद पे बिठा दिया। जबरदस्ती कोई पद पे बिठा देगा बताओ? जबरदस्ती कोई बिठा ही नहीं सकता है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये जितने कुर्सी पे बैठने वाले होते हैं, कभी भी मिले आप बात करना तुरंत कहेंगे नहीं हमारा बिल्कुल मन नहीं था, वो तो लोग नहीं माने तो बोले नहीं, हमने तो सोचा था लड़ेंगे ही नहीं चुनाव, अब लोग कह रहे नहीं तुम ही लड़ो तुम ही लड़ो। ये होते ही है, पद वाले ऐसे ही होते। तो बोले सुग्रीव भी कह रहा। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन सी बात है, मजबूरी हो गई होगी, लोगों ने जबरदस्ती की होगी, मजबूरी में बैठ गया होगा, ये कौन सी बात है। अब लक्ष्मण जी का तर्क बिल्कुल न्याय संगत है। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया ये पद वाले ऐसे बोलते ही हैं, कोई जबरदस्ती किसी को पद पर नहीं बिठा सकता, और अगर यही कोई करता तो अवध का समाज, गुरुदेव और पूरी अयोध्या लगी रही। भरत भैया को कोई बिठा देता तो हम जान लेते, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, कोई जबरदस्ती बिठा देगा? इसलिए हमें इसकी बात समझ में नहीं आ रही। अब आपने तो मित्रता का भाव है, आपने तो कहा है, आपने कहा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, आप तो मदद करिए। युद्ध हुआ और राम जी ने बाली को बाण मारा, कई लोगों को संदेह हो गया क्यों मार दिया। देखो भाई, बाली के शब्दों को सुनिए, उत्तर मिल जाएगा।
मेरी सुग्रीव प्यारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन राते मुही मारा, अब गुण कवन राते मुही मारा, धर्म के तू अब थरे गुसारे प्यारे की भगवान से संवाद न किया हो। बाली ने कहा प्रभु क्यों मारा, तो राम जी बोले बाली तुम्हारी गलती ये कि तुमने पत्नी की बात नहीं मानी। मूड तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीना काना। पत्नी ने तुम्हें समझाया, तुमने क्यों नहीं मानी पत्नी की बात? पत्नी की बात माननी चाहिए, क्यों नहीं मानी? बाली बोला महाराज पत्नी की बात हमने नहीं मानी। तो क्यों नहीं मानी बताइए? बाली बोला पत्नी की बात आपके पिताजी ने मानी। बोलो क्या हुआ परिणाम? अब हम क्यों मान ले? बोलो आपके पिताजी ने मानी कि नहीं मानी? परिणाम ये हुआ कि साहब आपको ही जंगल में आना पड़ा, तो हमने कहा हम नहीं मानेंगे। राम जी बोले वो बात कुछ और थी, वो बात अलग थी। बाली बोला वो अलग थी लेकिन प्रभु समस्या तो दूसरी है। पत्नी की बात आपके पिताजी ने मानी, आपको वनवास हो गया, और पत्नी की बात आपने मानी तो अब आप खोजते फिर रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, समस्या तो पूरी है, तो हम क्यों मान ले? हम तो नहीं माने। तो ये तर्क तो ठीक नहीं लग रहा, खारिज हो जाएगा। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ एक कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जेई, ताही बधे कछु पाप न हुई। तो इसमें भी थोड़ा बहुत तो दोष है, लेकिन मृत्यु दंड दिया गया, इसके पीछे कोई दूसरा तर्क है। अब यहां विद्वान श्रोता हैं तो आज ये जान ले, बाली को राम जी ने मारा, ये बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है। राम जी ने क्यों मारा, मैं पूरी तरह राम जी के साथ खड़ा हूं और राम जी के पक्ष में खड़ा हूं और अपनी बात को प्रमाणित करता हूं। बाली को इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। अब सुनिए अपराध क्या है। जानकी माता का अपहरण बाली की राज्य सीमा से हुआ। बोलो, अभी अभी सुग्रीव ने प्रमाण दिया, यहां से एक नारी रोती हुई गई, अपहरण यहीं से हुआ। और सुग्रीव को ना भी माने तो जटायु कह रहा है, नात दसानन यह गति कीन्ही, और तेही खल जनक सुता हर लीन्ही। चाहे उस जमाने का मैप हो या आज का मैप लगा दो, अभी भी जो वर्तमान का किसकिंधा है, अभी भी जो फ्लाइट काठमांडू जाएगी, उस काठमांडू जाने वाली फ्लाइट को इसी रूट से उड़ाया जाता है। अभी भी इसी रूट से आप लंका जाएंगे तो कोई दूसरा रूट ही नहीं है, यहीं से निकलने का खेल है, जाना वहीं से पड़ेगा। बाली की राज्य सीमा वही है। आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहां था? रावण के विमान को, बाली के विमान को, किसने रावण के विमान को आने दिया और क्यों सुरक्षित वापस जाने दिया? एक नारी रो रही है और आपको पता नहीं है? प्रदेश में कोई आतंकवादी आ जाए और प्रदेश सरकार कहे कि हमें मालूम नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र से ज्यादा प्रदेश की होगी।
बाली की राज्य सीमा से विमान आया और सुरक्षित वापस रावण लेकर चला गया। तो बाली कोई सामान्य व्यक्ति है? बाली के बारे में हमने मालूम किया, बाली इतना ताकतवर है कि एक दिन रावण गयो कुचाली, संध्या करे सिंधु तट बाली, छलचे जीतनचे दस भाला, बाली दबोच लीन थे काला। बाली ने पकड़ा और रावण को बगल में दबा लिया और यही बिद दबेऊ रहेऊ छह मासा, रहेऊ बाली कर कांक, छह महीने बगल में दबा रहा। जिस बाली में इतनी सामर्थ्य थी कि रावण को छह महीने बगल में दबा के रख सकता था, अगर वो बाली एक बार कह देता कि रावण ये भारत की मर्यादा है, हिंदुस्तान की जमीन है, आप भारत की बहन बेटी को इस तरह उठाकर नहीं ले जा सकते, यहीं छोड़ दो, तुम्हारी खैर नहीं होगी। रावण की कोई ताकत नहीं जो जानकी जी को लेकर के लंका चला जाता, लेकिन बाली ने रावण को सुरक्षित आने दिया और सुरक्षित वापस जाने दिया। बाली ने देशद्रोह किया है और देशद्रोह करने वाला चाहे बाली हो या संसद भवन का हमलावर हो, उसे फांसी देना कोई अपराध नहीं है, देश सर्वोपरि है। देश की अस्मिता से, देश की एकता से, देश के संस्कारों से किसी को खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये देश सर्वोपरि है। बहे चाहे क्यों ना खूनों की गंगा, पर झुकने न देंगे अपने देश का तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की। हम रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ेगा, देश रहना चाहिए, देश के संस्कार रहना चाहिए। और राम जी का उद्देश्य बाली मारना नहीं है, राम जी का उद्देश्य है बाली के अंदर जो देश के प्रति दुर्भाव है। आगे चौपाई पर ये राम जी ने कहा, कहेऊ बाली तो ही देहू जियाई। क्यों कहा? राम जी ने कहा मेरा उद्देश्य आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद है। हम ऐसी व्यवस्थाओं के पक्षधर हैं जो व्यवस्थाएं देश के अनुकूल कार्य करती हूं, लेकिन जो देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में हम बिल्कुल नहीं। ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के अंदर बैठकर अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ साजिश रच रहा है तो उस पर मुकदमा चलने की जरूरत नहीं है, उसको तो फांसी देना ही चाहिए, उसके लिए क्या बात है। क्योंकि राष्ट्र के हित में कोई निर्णय होना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये बात है साहब, यहां राष्ट्र का प्रश्न है। इसके बाद राज दीन सुग्रीव कहां अंगद कहां युवराज। सुग्रीव को राजपद मिल गया, अंगद को युवराज पद मिल गया और तारा को भगवान ने ज्ञान दिया। तारा पिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा से कहा कैसा रोना ये क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है, क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। संसार का नियम है जन्म लेने वाले को तो मरना ही पड़ेगा। तारा को समझाया और स्वयं राम जी लक्ष्मण जी पर्वत पर ठहरे हुए हैं, हनुमान जी सेवा में हैं, राम काज सुग्रीव विचारा, यहाँ पवन सुत है विचारा। तब लक्ष्मण जी महाराज को भेजा गया,
भय दिखाए ले आबहु तात सखा सुग्रीव। और वहां से बंदर भालू इकट्ठे हो गए, चारों तरफ सूचनाएं हो गई, सीता खोज सकल दिस धावौ, पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु हृदय निकट बुलावा। और कर मुद्रिका दीन जनु जानी, भगवान ने मुद्रिका दे दी और हनुमान जी महाराज चल दिए। समुद्र के किनारे बंदर भालू इकट्ठे हो गए। संपाती ने देखा, आज सबन कर भक्षण करे, आज मैं सबको खाऊंगा तो डर पे गीत बचन सुनी गाना, अब भामर सत्य हम जाना। संपत्ति की बात सुनकर के डर गए। एक बानर ने कहा, एक तुम हो और एक वो था, कौन? राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। एक वो जटायु था, परम बड़ एक जटायु था जिसने राम काज में अपने प्राण त्याग दिए, और एक तुम हो जो राम काज वालों को रोक रहे हो। जटायु का नाम सुना तो आहा, तुरंत संपाति के आंसू आ गए। भैया, ये जटायु मेरा सगा भाई था। अच्छा, लेकिन क्या करें, हम दोनों में एक दिन होड़ लग गई। सूर्य भगवान तक चलना है, सूर्य भगवान के लिए हमने उड़ान भरी, तो सूर्य के निकट पहुंचते पहुंचते हम तो जटायु तो लौट गया, लेकिन मैं अभिमान बस नहीं माना, तो सूर्य के करीब पहुंचा तो मेरे पंखे झुलस गए, मेरे पंखे जल गए, फिर मैं उड़ने लायक नहीं रहा, तो यहीं गिर पड़ा। आज तक यहीं पड़ा हूं। मेरा भैया जटायु मर गया, आप लोग मेरी एक मदद करो, उठा के हमें समुद्र के किनारे ले चलो। मोहि ले चलो सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताय, अपने भाई को जल दूंगा। भाई को जल दिया। संपत्ति बोला, हम आपको खाएंगे नहीं, आपके कार्य में बाधक नहीं बनेंगे, और हम तुम्हारी एक मदद कर सकते हैं। क्या? आपकी जो कंफ्यूजन है कि सीता जी कहां है, वो हम दूर कर दे रहे हैं। कहां है? यहां से समुद्र के उस पार, वो देखो लंका नगरी, वो अशोक वाटिका और वो सीता जी बैठी हैं। बंदर भालुओं ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले, आपको नहीं दिखेगा, मैं देखब तुम नाही धई दृष्टि अपार। हम देख सकते हैं, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। गीत में अपार दृष्टि होती है, गीत को बहुत ज्यादा दिखाई देता है, कितना भी दूर हो गीत को दिखाई देता है, गीत के बराबर और किसी को दिखाई नहीं देता। या तो गीत देख सकता है या हम पंडित लोग देख सकते हैं। हम लोगों की भी नजर बड़ी तेज होती है, हम लोग भी देखते रहते हैं कौन कब आया, कहां आया, कथा सुनी, नजर तेज रहती है हम लोगों की। तो ये गीत की दृष्टि है। अब तो काम बन ही गया, लेकिन समुद्र पार कौन जाएगा? अंगद कहा ही जाऊं मैं पार, जिए संशय कछु फिरती पार। बोली उमा, बताइए प्रभु करुणा आगार, अंगद के ही कारण कहा
संशय फिरती बार। अंगद ने कहा कारण बिल्कुल सीधा है, मैं भानर पिसई पुनिकामी, पिता उठाए चुके बदनामी। लंका में एक सबसे खास बात है, लंका बसही सुंदरी बामा, एक ते एक एक अभिरामा। लंका में बड़ी बड़ी सुंदरियां हैं, ये गोस्वामी जी ने भी लिखा, गंधर्व सुर नर कन्या रूप मुनि मन मोहि। इतनी सुंदरियां लंका में है, मुनियों के मन को मोह सकती है। मैं बानर विषयी पुनिकामी, पिता उठाए चुके बदनामी, और हम अगर वहां गए तो रोकई प्रेम को फंद अपारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। एक और बात है, रावण त्रिय मंदोदरी जोई, सो अंगद की मौसी हुई। पांच कन्याएं भगवान शंकर ने वरदान दिया है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापात्रकनासनम। रावण त्री मंदोदरी जोई, सो अंगद की मौसी होई, रोकई मातु को प्रेम अपारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। एक और समस्या है, सन्मुख जाए शक्ति कर कोई, निर्बल हूं बलशाली होई। सामने शक्ति के कोई जाएगा तो वो निर्बल भी बलवान हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो शक्ति सामने पड़ेगी, और लौट कर आएंगे तो लौटत शक्ति पिछारी पड़ी है, तो शक्ति पीछे होगी, हमारा बल कम होगा, इसलिए जिए संशय कछु फिरती बारा। अब कौन जाएगा, अब कौन जाएगा, अब यहां पर समस्या खड़ी है। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति संकट मोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो, हो सरकार की आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सुन हनुमाना कहाई रीच पति, सुन हनुमाना का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही, काम काज लगी तब भयहु पर्वता कारा। सिंहनाद गरबारी मारा, नीलम सागर खारा, छेद सायदा बनी मारी, आने यहाँ त्रिकूट उबारी। जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
सागर को कूद जाऊंगा, सागर को कूद जाऊंगा, सहित सहाय राव नहीं मारी, सेना के सहित रावण को मार दूंगा, जा रहा हूं। किसी ने कहा कि पहले जग नहीं रहे थे, अब ज्यादा ही जग गए, अब तो मुसीबत हो गई, सेना के सहित रावण को मार दूंगा, मार दूंगा। अब तो बजरंगबली हम आपके हाथ जोड़ते हैं क्या? हे बजरंगबली, रावण को आप नहीं मारेंगे, रावण को तो राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले, ये हमको मालूम नहीं था, नहीं नहीं चलाना नहीं है। हम बिना पसीना की रोटी नहीं खाते, हम तो पक्के पंडित हैं, किसी का पसीना नहीं आया तो क्या फायदा, पूरा परिश्रम कर साहब। आप लोग गवाह हैं, कोई झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, आप सब आपने जो समय दिया, जो बात रखी, हम उस पर जिम्मेदारी से चर्चा करते। सहित सहाय रावण हिमारी, सेना के सहित रावण को मार दूंगा। ये आप समझ रहे कौन बोल रहा है? बजरंगबली। क्यों? बजरंगबली युवा है, युवा में जोश होना चाहिए, और बिना युवा के जोश के ये देश नहीं चलेगा, जोश होना चाहिए युवा में। अच्छा, जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है, जवानी के आंख नहीं होती, बुढ़ापे के पांव नहीं होते, जवानी देख नहीं सकती, बुढ़ापा कर नहीं सकता, जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। एक जगह आग लगी है, दो जल रहे हैं, एक लंगड़ा एक अंधा। अंधे से पूछा, तुम क्यों जल रहे? बोले, हम देख नहीं सकते। लंगड़े से पूछा, तुम क्यों जल रहे? बोले, हम भाग नहीं सकते। तो अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, रास्ता तो लंगड़े ने बताई और अंधा चल के गया, दोनों बच गए। आज जवानी के जोश में जवान बेटा अंधा, अब बुढ़ापे की मार से बूढ़ा बाप लंगड़ा। तो लंगड़े पे अनुभव की आंख है, करने की ताकत नहीं है, और युवा में ताकत है, सोचने की क्षमता नहीं है। अगर दोनों में तालमेल बैठ जाए कि सलाह वृद्ध की होगी और करने की ताकत युवा की होगी, तो सारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि युवा में जोश है, वृद्ध में होश है। तो हनुमान जी युवा हैं, लेकिन अकेला अपना निर्णय नहीं है, उन्होंने भी एक वृद्ध से पूछा। आप सबको सिखाया, आप कितने भी योग्य हो, और जामवंती जी वृद्ध हैं। हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। मनोजबम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, कोई बुद्धिमान नहीं। अब वो बुद्धिमान हनुमान जी भी एक वृद्ध से पूछ रहे हैं। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन लीजै मोही। जामवंत जी, हमें उचित परामर्श दो। अब देखो वृद्ध की, अब यहां वृद्ध की भी तो विशेषता देखो। हनुमान जी ने भी क्या बोला था? रावण को मार देंगे, लंका उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, पछाड़ देंगे। और जामवंत जी ने क्या कहा? जामवंत जी बोले, देखो ये सब नहीं करना है, तो रावण नहीं मारना है? नहीं मारना है, अभी नहीं। अच्छा, अभी मार दे तो? बोले, अभी तुम मार दो, सीता जी को कौन ले गया? रावण। तो रावण मर जाएगा तो बताएगा कौन? कौन बोलेगा कि हम सीता कहां लेके गए, कहां छुपाया? पहले सीता जी का तो पता लगे, तब तो उसको मारना ठीक ना। अब चोर को पहले ही मार दो तो सामान कैसे मिलेगा? वो तो बता तो दे सामान कहां रखा। हाँ हाँ हाँ, बोले ये तो ठीक है। बोले तो जोश में गड़बड़ हो जाएगा ना, होश में काम लो। पहले चोर से ये पूछा जाए सामान कहां है, फिर सामान बरामद हो जाए, तब उसको मारना पीटना ठीक है। पहले चोर ही खत्म, सामान कैसे पता लगेगा? इस उचित सिखावन दीजे मोई।
तो इतना करी तात तुम जाई सीता ही देख कहा सुध आई तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना चलेंगे रावण को मारेंगे सीता जी को लेकर आएंगे। ये चौपाइयां बिना विश्राम के बोली गई हैं, इसमें कोई विश्राम नहीं है, इतनी बोल दो फिर विश्राम हो जाएगा, वहीं पर विश्राम। चलिए बोलिए जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी तुम पर सुमोही भाई विश्राम सकल जग रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी कल महा आरती 12:30 पर इसी पंडाल में होगी। भगवान का राज्याभिषेक होगा, हवन पूर्णाहुति होगी और 2 से भंडारा, 2 से पूर्णाहुति भी होगी, हवन भंडारा और भंडारा भी 2 से, इसमें लिखा है उसी तरह। तो उसका क्या क्या बता रहे बताओ। हाँ, शाम को रावण का घर जलेगा तो हम लोग होली मनाएंगे, किसी का जले अपन को क्या फर्क पड़े, रावण की होली जगाएगी, हम लोग अपना आनंद लेंगे, होली का क्या बात है साहब, है ना। तो हमें तो हनुमान जी की पार्टी में रहना, उनकी खुशी में रहें। तो शाम को आज ये उत्सव हमको ही रहेगा, अभी बस इतना ही, शाम को थोड़ा समय से पधारे, आनंद लें। आप सबको जय सियाराम, राधे राधे, हनुमान जी महाराज की जय हो। आते भी राम बोलो जय।